नमस्कार। आज एनसीईआरटी के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामना। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित निदेशक एनसीईआरटी प्रोफेसर दिनेश चकलानी जी, संयुक्त निदेशक प्रोफेसर अमरेंद्र पी बेहरा जी, संयुक्त निदेशक एनसीईआरटी श्रीधर श्रीवास्तव जी और उपस्थित एनसीईआरटी के सभी पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों एवं प्रेस और मीडिया के सभी साथी, स्थापना दिवस के समारोह में उपस्थित सभी को फिर से मैं अपनी ओर से एक बार शुभकामना देती हूँ। और आज देश के गौरवशाली शिक्षा संस्थानों में से एक एनसीईआरटी अपना 62वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मैं समस्त एनसीईआरटी परिवार को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए बधाई देती हूँ। पिछले 61 सालों में एनसीईआरटी ने भारत के शिक्षा क्षेत्र को महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचाया है। स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए परिषद ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, इसके लिए यह सराहना के पात्र है। यह स्थापना दिवस कई मायनों में बहुत खास है। हम यह स्थापना दिवस ऐसे वर्ष मना रहे हैं जब हमारे देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। हमारा देश अमृत काल के रूप में अगले 25 वर्षों की यात्रा की रूपरेखा बना रहा है और नए नए संकल्प गढ़ रहे हैं। नए अवसरों और संभावनाओं के सृजन के साथ नए नए लक्ष्यों का निर्माण कर रहा है। अभी 15 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने परिवर्तनकारी 5 प्रण लिए हैं। ये प्रण, पहला प्रण विकसित भारत, दूसरा गुलामी के हर रूप से मुक्ति, तीसरा प्रण अपनी विरासत पर गर्व करना, चौथा राष्ट्रीय एकता और नागरिकों में कर्तव्य भावना और इन 5 प्रणों और अन्य समस्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देश के समस्त लोगों, संगठनों और संस्थानों को आगे आना होगा और इसमें एनसीईआरटी की भूमिका एक ध्वजवाहक की होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सदैव ये कहते हैं, हम किसी भी क्षेत्र में कितनी ऊंचाई हासिल करेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे जड़ें कितनी गहरी हैं। और एनसीईआरटी के लिए ये कथन इसलिए भी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जड़ें शिक्षा से गहरे जुड़ी हुई है और उनकी आरंभिक मजबूती का महत्वपूर्ण दायित्व एनसीईआरटी के पास है। हमारे देश की समस्त स्कूली शिक्षा, उसका सिलेबस संबंधी दिशा निर्देश तथा शिक्षकों के क्षमता निर्माण के लिए उचित व्यवस्था एनसीईआरटी प्रदान करती है। एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा, शिक्षकों के प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा एवं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध का कार्य भी करती है। एनसीईआरटी अपने क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थानों द्वारा शिक्षा के पाठ्यक्रम भी चलाती है और मेरा अटल विश्वास है कि यह संस्थान शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम है। हाल ही में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इस समय एनसीईआरटी एनईपी 2020 के विभिन्न आयामों के क्रियान्वयन जैसे कि विद्यालयी शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास में जुटी है। अभी कुछ ही समय पहले ही यानी 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2 वर्ष पूरे हुए और इन 2 वर्षों में भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिस प्रकार से स्वागत हुआ इसे लेकर देश में जो उत्साह दिखाई दिया है वह यह दर्शाता है कि यह नीति भविष्य में जन आकांक्षाओं की दृष्टि से पूरी तरह खरी उतरने वाली है। मुझे आशा है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमारे देश की संपन्न विशाल धरोहर को सामने रखते हुए शैक्षिक नवाचारों का मार्ग प्रशस्त करेगी। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की राह में जो अगला पड़ाव है जो मैं समझती हूँ वो पाठ्यक्रम का निर्माण है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस तत्वों पर सबसे अधिक बल देती है उनमें भारतीय भाषाओं की शिक्षा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा ये दोनों ही प्रमुख है। अभी हमारी शिक्षा व्यवस्था जिन चुनौतियों का सामना कर रही है उनमें एक चुनौती यह भी है कि हमारी अपनी भाषाओं में विश्व स्तरीय पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं है। शिक्षा नीति सुझाती है कि हमें अपनी शिक्षा को संकुचित दायरे से निकालकर इसे वैश्विक और 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार बनाना है। इसके लिए जैसा कि महात्मा गांधी से लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर काका कालेलकर से लेकर आयंगर तक मानते थे कि हमें अपनी शिक्षा स्वभाषा में ही करनी होगी। ऐसे में मैं समझती हूँ एनसीईआरटी की भूमिका और भी बढ़ जाती है। आज हमें विश्व के ज्ञान विज्ञान के अनुवाद की ज़रूरत है। अनुवाद से मेरा मतलब बाहरी भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान विज्ञान का स्वभाषा में पुनर्लेखन है। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि कुछ संस्थान इस दिशा में आगे बढ़े हैं पर और भी संस्थानों को इस दिशा में आगे आने की ज़रूरत है। साथियों, इस बात में कोई संदेह नहीं कि शिक्षा मानवता के विकास का आधार है। मानव समाज की आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि वह समाज कितना शिक्षित और ज्ञानवान है। सदियों तक हमारे देश भारत ने दुनिया का जो मार्गदर्शन किया उसके मूल में हमारी शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी व्यवहारिकता रही है। आज हमारा देश जब महाशक्ति बनने की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है तो मैं समझती हूँ उसका आधार मजबूत करने के लिए हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना समय की सबसे बड़ी मांग है। क्वालिटी एजुकेशन से मेरा मतलब ऐसी शिक्षा से है जो उनका मानसिक शारीरिक भावनात्मक संवेदनात्मक और संज्ञानात्मक विकास करने में सक्षम हो। वह चाहे किसी भी क्षेत्र जाति लिंग अथवा आर्थिक सामाजिक श्रेणी के हों। हमें अपने बच्चों को केवल परीक्षा और परीक्षण से ऊपर उठाकर जीवन समाज और राष्ट्र के लिए तैयार करना होगा। हम सभी जानते हैं कि भारत में एक विशाल युवा आबादी है जिसके चलते हम एक बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन इस डेमोग्राफिक डिविडेंड के
माध्यम से आर्थिक विकास बल्कि समग्र विकास का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम देश में शिक्षा का समान रूप से प्रसार कर पाएंगे। ऐसे में हमें अपने परिवेश के अनुरूप अपनी भाषा में विश्व स्तरीय कंटेंट तो लाना ही है, पर केवल वही पर्याप्त नहीं होगा। हमें हमारे भारतीय आदर्शों और मूल्यों से अभिसंचित कंटेंट लाने की ओर भी आगे बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि अरविंदो से लेकर महात्मा गांधी आदि दुनिया के अनेक महापुरुषों ने चरित्र के विकास को शिक्षा का प्रमुख अंग माना है। बच्चों का चरित्र और उनका व्यक्तित्व विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं कई टेक्स्ट बुक में देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को ऐसी पोएम या स्टोरीज पढ़ाई जाती है जो विदेशी लेखकों की होती है और हमारे परिवेश से मेल नहीं खाती है। ऐसे कंटेंट तो बच्चे आत्मसात करने की बजाय अपनी पूरी ऊर्जा रटने में लगा देते हैं। ये बच्चों का संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकते। हमें इसका भी ख्याल रखना होगा। उन्हें अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण के महत्व को बताने वाले और उनसे जोड़े रखने वाली शिक्षा प्रदान करना ये हमारा कर्तव्य है। यदि हम उन्हें वैल्यू एजुकेशन के माध्यम से पहले से ही मजबूत रखें तो अनेक समस्याओं से उनके आने से पहले ही बचाया जा सकता है। यानी न केवल क्वालिटी एजुकेशन बल्कि हमें अपने बच्चों को वैल्यू एजुकेशन प्रदान करना होगा। हमारा पूरा प्रयास है कि हम अपने बच्चों को सामूहिकता और सामाजिकता के मूल्यों से संपन्न शिक्षा प्रदान कर सकें। हम अपनी नई पीढ़ी में आत्मनोमोक्षार्थम जगत हिताय च के मूल्यों वाली शिक्षा प्रदान करें ताकि हमारे बच्चे न केवल अपनी उन्नति का बल्कि समस्त विश्व की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकें। आने वाले समय में हमारे बच्चे न केवल एक सफल व्यवसायी बने, एक सफल वैज्ञानिक बने, सफल डॉक्टर बने, सफल इंजीनियर बने या अफसर बने, बल्कि उन्हें महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगवान बिरसा मुंडा, रानी लक्ष्मीबाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले आदि की एक झलक हो। उनमें समाज और राष्ट्र के प्रति पूरा दायित्वबोध हो, इसका हमें अभी से ख्याल रखना होगा। इसी तरह और भी कई बिंदु हैं, जैसे बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना, स्कूल के दौरान उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए गतिविधियां सुनिश्चित करना, उनके लिए पोषण सुनिश्चित करना, इन विषयों पर भी हमें गहराई से विचार करना होगा। साथियों, हमारे शिक्षकों की ट्रेनिंग जैसी महत्वपूर्ण बात पर हमें और भी ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्तमान शिक्षा पद्धति में यह व्यवस्था है, जो एक बार शिक्षक बन गया उसके दोबारा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं समझी जाती है। लेकिन बदलते परिवेश में समय और परिवेश के अनुसार शिक्षकों को भी अप टू डेट रहना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज पर आधारित ट्रेनिंग प्रोग्राम और असेसमेंट के प्रावधान किए गए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि एनसीईआरटी द्वारा निष्ठा और दीक्षा आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। निष्ठा पहल के तहत एनसीईआरटी द्वारा लगभग 42 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है और इसके लिए एनसीईआरटी निश्चित रूप से बधाई के पात्र है कि आज की समय के अनुसार एनसीईआरटी जो हमारे स्कूल के शिक्षक हैं
उनको प्रशिक्षित समय समय पर प्रशिक्षित कर रहे हैं। हमें शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए नए आयामों के बारे में भी सोचना होगा और नए कार्यक्रम लाने होंगे जो समय नए समय की चुनौतियों से निपटने और शिक्षकों को अधिक प्रोफेशनल बनने में सहायक हो। आज जब हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं, मैं समझती हूँ हमारे बच्चों का समग्र और समुचित विकास हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इनके वर्तमान को संवार कर ही हम देश के भविष्य को संवारने में सक्षम होंगे। यह याद रखना आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है और उनमें अत्यंत संभावनाएं हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था को इस तथ्य को समझते हुए आगे बढ़ना होगा ताकि प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट योग्यताओं का समुचित विकास किया जा सके। और ये NCERT, चूँकि NCERT की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आप बच्चों का भविष्य आप संवारने का जिम्मेवारी आप पर है। आप चाहे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हो, चाहे शिक्षकों को प्रशिक्षित कर, ये आपकी अहम भूमिका रहेगी कि आप देश के निर्माण में बच्चों को आप किस तरह से संवारेंगे और आज के युग आज के समय के अनुसार शिक्षकों को भी प्रशिक्षित कर सिर्फ न केवल बच्चों को किताबी शिक्षा बल्कि सांस्कृतिक सामाजिक और अन्य शिक्षा की ओर भी बच्चों को प्रशिक्षित करना होगा, उन्हें आगे बढ़ाना होगा। मैं इस अवसर पर हृदय से NCERT परिवार को शुभकामनाएं देती हूँ। यह सभी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखें ताकि हमारे भावी नागरिक गरिमा नैतिक मूल्य दायित्वबोध एवं कर्तव्य बोध के साथ देश के विकास में अप्रतिम योगदान दें। NCERT की इस गौरवशाली यात्रा लगभग NCERT का 62 वर्ष हो गया, तो इस गौरवशाली यात्रा में भविष्य में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ये हमारी शुभकामना है। और आप निरंतर नित्य नए आयामों को गढ़ें, ये हमारी शुभकामना है। आप सबको फिर से एक बार स्थापना दिवस की शुभकामना देते हुए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।